हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड सेवन की साइंस लेसन नंबर ट्वेल्व रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पार्ट टू लास्ट क्लास में हमने ए रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के बारे में पढ़ा था आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या कुछ होता है तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो फ्लावर होता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है स्टेमिन्स जो होते हैं फ्लावर के अंदर वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और जो पिस्टल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक जो फ्लावर्स जिनके अंदर पिस्टल भी नहीं होता स्टैमिन भी नहीं होता वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और जिनके अंदर दोनों होते हैं वो बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं क्लियर जैसे कॉर्न पपाया क्यूकम्बर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं अगर हम मस्टर्ड रोज पेटूनिया की बात करें तो वो बाइस फ्लावर्स फ्लॉर्स है यानी उनके फ्लावर्स के अंदर मेल पार्ट भी है जिसे हम स्टेम बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है जिसे हम पिस्टल बोलते हैं अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हिसाब किताब होता है अब आप यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसके अंदर अरेंजमेंट जो है वो सर्कल्स में होता है एक बाहर का सर्कल फिर अंदर कुछ होता है तो जो फ्लावर है वो सर्कल्स में अरेंज होता है एक सवोलन सूजे हुए टिप के ऊपर जिसे हम रिसेप्टेकल बोलते हैं ध्यान से आप देख सकते हैं नीचे और जो फ्लावर है जो फूल है वो पौधे के साथ जुड़ा होता है जिस हिस्से के साथ उसे हम पेडिसल बोलते हैं इतनी बात क्लियर जिसके ऊपर फ्लावर टंगा होता है उसे हम रिसेप्टल और जिस जरिए से वो प्लांट के साथ जुड़ा होता है उस हिस्से को हम पेडिसल बोलते हैं अब जो बाहर का हिस्सा है फ्लार का उसको हम सेपल्स और पेटल्स बोलते हैं और अंदर वाले हिस्से के अंदर जो रिसेप्टेकल के ऊपर जुड़ा होता है उसे हम स्टेमिन और कार्पल्स बोलते हैं ध्यान से देख सकते हैं अब जो स्टेमिन और कार्पल्स हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमिन के ऊपर दो चीजें होती हैं या आप कह सकते हो स्टेमिन जो है वो दो चीजों का बना होता है एक लंबी सी रॉड जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं और उसके ऊपर होता है एंथर वैसे ही जो पोलन ग्रेन हैं, जिसने जाकर मिलना होता है एग के साथ वो आपको तो पोलन ग्रेन जो है वो बड़े छोटे मिट्टी जितने पार्टिकल की होती है वो निकल के किसी फ्लावर पे जाके बैठ जाती है अगर हम पिस्टल की बात करें जो फीमेल पार्ट है वो तीन पार्ट्स का है वो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा जिसमें एक टर्मिनल नॉब है नॉब मतलब एक तरीके का गांठ है उसके नीचे का जो हिस्सा है ट्यूब जैसा उसे हम बोलते हैं स्टाइल वो स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ता है तो बीच वाला हिस्सा हो गया स्टाइल और नीचे वाला जो सूजा हुआ हिस्सा है बेस पे उसे हम ओवरी बोलते हैं और ओवरी के अंदर छोटे छोटे एक या एक से ज्यादा ऑव्यूल होते हैं तो आपको समझ में आ गया तो आप कह सकते हैं जो पिस्टल है उसमें तीन पार्ट आ जाते हैं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी जो स्टेमिन है वो मेल पार्ट होता है उसके दो पार्ट आ जाते हैं एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट क्लियर हो गया मेल और फीमेल पार्ट चलिए अब देखते हैं पॉलिनेशन कैसे होती है पॉलिनेशन का मतलब होता है वो जो पोलन ग्रेन हैं जो मेल पार्ट के एंथर से निकलकर स्टिग्मा में जाके मिलती हैं जो ऊपर वाला हिस्सा है फीमेल पार्ट का उसे हम पोलिनेशन बोलते हैं मतलब एंथर से सीधा फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे जाके अटकना है तो होता क्या है जब एंथर बड़ा हो जाता है तो वो फट जाता है और उसके अंदर से पोलन ग्रेन निकलती है तो ये जो पोलन ग्रेन है हल्की होने की वजह से ये स्टिग्मा के ऊपर आके चिपकती है एक फूल के और उसके बाद इसकी एक लंबी सी खींच के ट्यूब नीचे तक जाती है स्टाइल से फिर ही अपना रास्ता बनाती है ओवरी के अंदर और अंडे के साथ जाके मिल जाती है बनता है और एक नया फ्रूट बनता है धीरे धीरे करके पोलिनेशन दो किस्म की होती है वो जो ट्रांसफर होता है ना पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक दो किस्म का होता है ध्यान से समझना एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन कहने का मतलब जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से निकल के उसी फूल के स्टिग्मा पे चली जाती है या फिर उसी पौधे के ध्यान से सुनना आपकी बुक में गलत है उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पे चली जाती है सेम किस्म के फूल के ऊपर लेकिन वो उसी पौधे का हो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो निकलकर किसी और प्लांट के फूल के ऊपर गिरती है लेकिन वो उसी किस्म का प्लांट होता है और वो जाके अटकती है उस प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर इतनी क्लियर हो गई क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या फर्क है अब हम पढ़ते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन आखिरकार होती कैसे है पर एक बार जो कुछ हमने पढ़ा है कौन कौन से पार्ट्स हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं मैंने आपको बताया स्टेमिन पार्ट मेल के अंदर होता है जो एंथर और फिलामेंट का बना होता है आप देख सकते हैं पर फीमेल पार्ट जिसे हम कार्पल या फिर पिस्टल बोलते हैं उसके तीन हिस्से होते हैं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ओवरी के अंदर ओव्यूज होते हैं छोटे छोटे अंडो जैसे होते हैं तो कार्पल फीमेल स्ट्रक्चर जो पिस्टल होता है वो हम कह सकते हैं ओव्यूज होते हैं जो फीमेल uh, पार्ट के अंदर अंडों वाला हिस्सा होता है उसे हम पिस्टल बोलते हैं फर्क इतना ही होता है तो पिस्टल के अंदर ओव्यूल्स होते हैं बीज होते हैं फीमेल ऑर्गन के अंदर अदरवाइज सेम ही माना जाता है कार्पल या पिस्टल को अब फर्टिलाइजेशन होती कैसे है तो जो हमारा एंथर था फीमेल पार्ट था उससे पोलन ग्रेन निकलकर क्रॉस या फिर आप कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से पार्ट के ऊपर जाके अटक जाता है स्टिग्मा के ऊपर फिर वहां से एक पोलन ट्यूब निकलती है पतली सी जो पोलन ग्रेन से निकलती है और नीचे तक आती है स्टाइल से होती हुई ओवरी में जा चलती है और ओव्यूल में घुस जाती है जब ओव्यूल में घुस जाती है तो वहां पे फ्यूजन होता है, तो है मेल जो एग है वो आपस में मिलते हैं फीमेल और मेल गैमीट इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जाइगॉड बनता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है जाइगॉड बनता है दोनों के मिलने के बाद और जो ओवरी है जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा था वो बड़ी हो जाती है बढ़ जाता है बढ़ जाता है एक फ्रूट का साइज ले लेता है अंदर छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं उसे हम ओव्यूल्स बोलते हैं जो बीज बन जाते हैं बाकी जो हिस्सा होता है पेटल सेपल्स का वो अलग हो जाता है अब वो जो बीज है वो एक मेच्योर ओव्यूल का काम कर सकता है ठीक है जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है खाना स्टोर होता है और आप उसको देख सकते हैं कि उस बीज के आसपास एक कोट भी होता है इसे सीड कोट बोलते हैं चाहे तो अलग करके एक पौधा भी निकाला जा सकता है तो जो फ्रूट्स होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं कुछ जूसी होते हैं कुछ हार्ड होते हैं कुछ ड्राई होते हैं मैंगो एप्पल ऑरेंज की बात की जाए वो फ्लैशी और जूसी होते हैं आमंड आप कह सकते हैं बादाम, वॉलनट्स की बात की जाए तो वो सूखे ड्राई और थोड़े सख्त होते हैं अब हम डिस्कस करते हैं कि ये बीज एक जगह से दूसरी जगह आखिरकार क्यों जाते हैं क्या जरूरत है डिस्पर्सल का मतलब फैल जाना तो डिस्पर्सल जो होता है बीजों का अलग अलग जगह पे जो बीज जाके उग जाते हैं वो बहुत जरूरी होता है ताकि कहीं जाके सुटेबल कंडीशन पे कुदरती तौर पर ये एक पौधे में बदल जाए देखिए फायदे ये होते हैं सबसे पहले फ्रूट्स या बीज अलग अलग जगह पे गिरने के जो प्लांट्स के द्वारा गिराए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा हवा के द्वारा सबसे पहला वास्ट एरिया में फैल जाते हैं वो प्लांट्स दूसरा ओवरक्राउडिंग नहीं होती कि एक ही जगह पे कंपटीशन हो रहा है मैं भी यहीं उगूंगा तू भी यहीं उग तो कंपटीशन तीसरा पॉइंट ओवरक्राउडिंग नहीं हुई कंपटीशन कम हो गया स्पेस के लिए जगह के लिए सनलाइट के लिए वाटर के लिए मिनरल्स के लिए और जो फ्रूट्स या सीड्स है उनको फैलाया जाता है अलग अलग जगह पे विंड के द्वारा वाटर के द्वारा एनिमल्स के द्वारा या फिर वो फटके खुद ही स्प्रेड हो जाते हैं ये कुदरती मैकेनिज्म है कुदरत इसे खेलती है अब इसके नुकसान क्या है नुकसान ये है कि कई बार ऐसी जगह पर ये बीज या फ्रूट्स चले जाते हैं जहां पर ये उगी नहीं पाते यही एक नुकसान हो सकता है और क्या नुकसान होगा अच्छा अब हम पता लगाते हैं कि विंड के द्वारा कैसे ये लेके जाए जाते हैं देखिए बीज हो गया फ्रूट हो गया जो छोटे होते हैं हल्के होते हैं वो विंड अपने साथ ले जाती है जैसे सीड्स हो गए मैपल के ड्रम स्टिक के उनके विंग्स होते हैं वो आपको विंग्स मतलब फेदर्स हल्के हल्के होते हैं जैसे बर्ड्स के वैसे नहीं आप देख सकते हैं वो हवा में उड़ के दूर तक जा सकते हैं जो सीड्स होते हैं घास के खास तौर पे हेरी सीड्स आग के आ, या फिर डेंडिलियन के कॉटन के हेरी फ्रूट्स जो होते हैं जैसे सनफ्लावर के वो हवा अपने साथ ले जाती है पानी के द्वारा भी जा सकते हैं फ्रूट्स फल या सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जैसे वॉटर लिली के लोटस के कोकोनट नारियल भी क्योंकि बहुत सख्त होता है और उसके आसपास फाइबर का कोट होता है तो आसानी से डैमेज हुए बिना दूसरी जगह चला जाता है एनिमल्स के द्वारा जैसे मान लीजिए एक इंसेक्ट आके किसी फ्रूट के ऊपर बैठा है तो उसके ऊपर चिपक जाते हैं फिर वो कहीं और जाता है वहां जाके अटक जाते हैं या तो आप कह सकते हैं एनिमल्स की स्पाइन होती हैं छोटे छोटे हिस्से होते हैं बाहर को निकले हुए या हुक्स होते हैं उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं और फिर अलग अलग जगह चले जाते हैं जैसे आप कह सकते हैं अगर मान लीजिए किसी जानवर ने कुछ खा भी लिया तो यूरिया की फॉर्म में निकल जाते हैं जो बाहर बॉडी के निकलता है बीज फिर वहां उग जाते हैं या जेंथियम की फॉर्म में जो अलग अलग जगह जा सकते हैं एनिमल्स के द्वारा तो इंसान जानवर पंछी ये कई बार पल्प खाते हैं बाहर का हिस्सा खाते हैं जो खाने वाला होता है और बाकी बीज फेंक देते हैं इसके जरिए भी डिस्पर्स हो जाते हैं जो बीज है या अपनी बॉडी से निकालते हैं वो भी बीज उग जाते हैं क्योंकि बॉडी में बीज डाइजेस्ट नहीं हुए बाहर निकले और जहां पे उन्होंने बाहर निकाले वहां पर वो उग जाते हैं जैसे गुआवा के हो गए रेस्बेरीज के हो गए ऐसे ही डिस्पर्स होते हैं अच्छा एक एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म है जैसे मटर को आप ऐसे पिचक दे तो पूरे मटर निकल जाते हैं बाहर वैसे ही कुछ बीज होते हैं कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे बालसम वाइल्ड पी जरेनियम या फिर कैस्टर के वो ऐसे करके प्रेशर लगे या उस अपने आप भी वो ऐसे फटे तो जो बीज हैं वो अलग अलग डिस्टेंस में जाते हैं दूर तक जाके गिरते हैं जैसे मटर को आप पिचकते हैं तो मटर खिलर जाते हैं बिल्कुल वैसे एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म से ये चीजें भी फटती हैं और दूर तक अपने जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स कर देती हैं। अब जो जर्मिनेशन होता है सीड का उसे पढ़ लेते हैं जर्मिनेशन जैसे हम आ, दाले भिगोते हैं उसके स्प्राउट्स निकल आते हैं वैसे ही अगर आप बीज को गीली मिट्टी में दबा देंगे सूज जाएगा वो पानी एब्जॉर्ब कर करके थोड़ा मोटा हो जाएगा जैसे भीगी हुई दाल जो एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाएगा दो हिस्से निकलेंगे एक होता है उसके अंदर से ऊपर को जाने वाला हिस्सा एम्ब्रियो के अंदर और एक नीचे जाने वाला हिस्सा तो जो रेडिकल है वो जाता है नीचे की तरफ को रूट से याद करना रेडिकल जो है वो नीचे की तरफ को सॉइल की तरफ को जाता है और रूट बन जाता है जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं जो ऊपर को जाता है लीव्स आते हैं शूट्स निकलते हैं छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं मतलब लीव्स पत्ते स्टेम उसे प्लेमियोल बोलते हैं तो वो ऊपर को जाता है तो याद रखना प्लेमियोल ऊपर को और जो रेडिकल है वो नीचे को जाता है ऊपर वाले को वैसे हम बोलते हैं शूट एस एच ओ ओ टी ये भी बोला जाता है तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से बीज फ्रूट्स डिस्पर्स होते हैं क्या फायदे है, क्या नुकसान जर्मिनेट जब करता है सीड तो कौन से दो चीजें निकलती हैं एम्ब्रियो से जब एम्ब्रियो जर्मिनेट जर्मिने 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 करता है और हमने ये भी पढ़ा कि कैसे फ्रूट उगता है किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है पॉलिनेशन क्या होती है जाने से पहले मैं आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सबसे पहला ये कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट का होता है या फ्लावर का होता है उसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं और दूसरा क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किन दो चीजों का बना होता है और पोलन ग्रेन्स किसके अंदर होते हैं तो ये थी आज की क्लास अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हम फिर मिलेंगे टिल देन टेक केयर बाय बाय